अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नैब इंतखाबात से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के शोर शराबे में चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। विफाक के सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे। कराची के लिए बिजली फी यूनिट 4.83 रुपये महंगी। कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म नहीं किया गया। विफाकी वजीर कानून कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वक्त दरकार है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फौरी इंतखाबात ई वोटिंग या EVM से मुमकिन नहीं। किसी से डील नहीं हुई, इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता। इमरान खान कहते हैं हुकूमत को 6 दिन दिए हैं, अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो अब तैयारी करके निकलेंगे। अमरीकी डॉलर सस्ता, 200 रुपये की हद गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ, नई कीमत 201 रुपये पर हो गई। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। नैब तरमीमी बिल 2022 और इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला में भी कसरत राय से मंजूर हो गए। अपोजिशन ने बिल्स के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की और बिल की कापियां फाड़ दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत मुनक़िद हुआ। दौरान इजलास कौमी असम्बली से मंजूर करदा इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया जिसे कसरत राय से शिकवार मंजूर किया गया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके बिल की कापियाँ फाड़ कर हवा में लहरा दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था EVM मशीन में काफी मसाइल हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज उठाए। इसी तरह नैब तरमीमी बिल 2022 भी कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला से मंजूर करवा लिया गया। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया जिसकी कसरत राय से शिकवार मंजूरी दी गई। बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऐवान बाला में अपोजिशन बेंचेस से महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत पर तंकीद की गई जबकि सेनेटर जरका खान और एजाज चौधरी ने जालिमो जवाब दो, महंगाई का हिसाब दो के नारे भी लगाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था कि इस वक्त मुल्क में से बड़ी इम्पोर्टेड चीज मौजूदा हुकूमत है, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर के वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियाँ 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। इदारों के सरबराहान को गर्मियों की छुट्टियों में दाखिला जात मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के मार्च के महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4.83 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद IMF के मजीद मुतालबात पर अमल दरामद करते हुए बिजली की कीमतों में भी इजाफा शुरू कर दिया है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के मार्च के महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4.83 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी और इस हवाले से
बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कीमत में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फीन माँ सिवाय लाइफ लाइन सार्फीन पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने नैप्रा को 5.27 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 27 अप्रैल 2022 को FCA पर अवामी समात की थी। फरवरी का FCA सार्फीन से 1.38 रुपए चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ एक माह के लिए था। मार्च का FCA फरवरी के निस्बत 3.45 रुपए जून में ज्यादा चार्ज किया जाएगा और हालिया इजाफे का इत्तलाक सिर्फ जून के माह के बिलों पर होगा। वाज़ेह रहे कि IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त आयद की है। विफाक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके वोट का हक़ ख़त्म नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। विफाकी दारुलहुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम नज़ीर तारर ने कहा कि इलेक्शन कराना और उसका तरीक़ा कार वज़ा करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन PTI ने बहुत उजलत में इस बिल को मंजूर किया था। PTI हुकूमत ने 23 बिलों के दरमियान बिल रख कर आधे घंटे में मंजूर किया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सैनेट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं। वजीर कानून का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वक्त दरकार है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फौरी इंतखाबात ई वोटिंग या EVM से मुमकिन नहीं, जबकि हमने EVM के लिए भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी पॉलिसी के मुताबिक तरीका कार इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मशीन पर इलेक्शन चाहते हैं तो दर्जा बदर्जा करें। इलेक्शन कमीशन जब जिस इंतखाबात में चाहे EVM इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि नैब कवानीन एक आमिर ने मुतारिफ कराए थे और नैब कवानीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। नैब ने सियासत को मुकदम रखते हुए अपना किरदार अदा किया। अदालत ने लिखा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आज गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है, लेकिन मेरी जंग इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है और मैं किसी सूरत गुलामी को कबूल नहीं करूंगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमें पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। रात के अंधेरे में लोगों के घरों पर हमले किए गए। इमरान खान का कहना था, कहा जा रहा है कि हम इंतशार करने के लिए जा रहे थे। क्या कोई अपने बच्चों और औरतों को लेकर जाता है इंतशार करने के लिए? जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, ये यजीद के फॉलोवर्स हैं। इमरान खान ने कहा कि IMF के दबाव में आकर इन लोगों ने 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया। बाहर की हुकूमतें चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। इससे आवाम में बददिली आएगी और आवाम में बगावत पैदा होगी। हमारे ऊपर भी IMF का दबाव था कि कीमतें बढ़ाओ, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई और आवाम को रिलीफ दिया। तो इन्होंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। मेरा ये अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैंने तो अब 3.5 साल में देख लिया है, ये जो बाहर की कुव्वतें हैं ये चाहती नहीं हैं कि पाकिस्तान अपने पैर पर खड़ा हो, ये चाहती हैं हम कमज़ोर रहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के पास 6 रोज का वक्त है। इस बार मुजरिमों की हुकूमत ने हमारे साथ किया, हम उससे बचने की पूरी तैयारी करेंगे। इमरान खान का कहना था, मुज़ाकरात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम यहाँ किसी के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद जून तक इलेक्शन है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमने भेड़ बकरियों की तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तसल्लुत को तस्लीम नहीं करना। मुल्क भर में मुसलसल बढ़ने वाली डॉलर की कदर को ब्रेक लग गई। डॉलर की कीमत 200 रुपए की हद से गिर गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में 2.25 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 202.01 रुपए से कम होकर 199.76 रुपए हो गई है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता हुआ और नई कीमत 201 रुपए पर हो गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।